खुमरे खुमरे कुमरा की कबूतर नहीं था इधर वो के छोटे दो बच्चे थे ये देखें जी फाख्ता दी नस्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मैं हूँ फैजान और आप देख रहे हैं बट व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि छत पे मुर्गियाँ मुख्तलिफ परिंदे और खरगोश वगैरह कैसे रखते हैं। हमारे एक भाई हैं उन्होंने रखे हुए हैं मुर्गियाँ परिंदे और खरगोश और बहुत सी किस्में उन्होंने रखी हुई हैं परिंदों की। आइए उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे रखे हैं, उनको क्या चारा डालते हैं या दाना डालते हैं, सही मालूमात उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय सब की हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल ने तुम ठीक ठाक ही होने हो। तो सानू दसो हाँ थोड़ी कोई साडे व्यूअर ले। हां जी ये अपने फायदे के लिए रखे हुए हैं घर में। ये छोटा सा फार्म बनाया हुआ है, ये सिर्फ अंडे अंडों के लिए और गोश्त के लिए हमने अपने घर के लिए बनाया हुआ है। ये सारे कौन सी किस्म है जी इनकी? ये नस्लें हैं मुख्तलिफ मुर्गियों की, मुख्तलिफ नस्लें हैं जो अंडे देती हैं, गोश्त बनता है इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटियां लाइया सन तुसा के वड्डियां जी? बच्चे लाके ते पाले हुए ने, पाले हुए ने, बड़े हुए ने, जवान ने माशाल्लाह। ये किन्नियां कुकड़ियां ते किन्ने बस शौक नहीं रखे घर वास्ते, बस होर कोई बिजनेस नहीं तेरा? ये देखें जी खरगोश, माशाल्लाह कितना मासूम जानवर है जी। ए सफेद के है कि कुकड़ी? कुकड़ी है, कुकड़ी है, कुकड़ है। वाइट कुकड़ है ते ओ काली कुकड़ी है। केड़ी किस्म? माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्यूट ने। ये जी छत पे रखे हुए इन्होंने, छत के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको दूर से कैसे ये पिंजरा बनाया हुआ उन्होंने। ये देखें छत पे ये पिंजरा बना हुआ है। इधर खरगोश थे, इधर बाहर ही घूमते रहते हैं ऊपर ही। ये देखें दूसरा, ये जी इनकी तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पे ये बनाया हुआ है। तो व्यूवर्स इसमें आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, ऐसे शहरों में अक्सर जगह थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती। छत पे आप लोग रख सकते हैं अंडों के लिए, गोश्त के लिए, हर किस्म का फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने रखे हुए हैं छतों पे, ऐसे बहुत कारोबार है आजकल ये। इधर क्या है? इधर तो ये माशाल्लाह की जी खुमरे खुमरे कुमरा की कबूतर नहीं था? इधर वो के छोटे दो बच्चे थे ये देखें जी फाख्ता दी नस्ल माशाल्लाह। खुमरे खुमरा की है ना कबूतर? टोटरू टोटरू। ये देखो कितने प्यारे हैं ये यार, माशाल्लाह ये खुदा की कुदरत है। ये खासकर ये दो छोटे बच्चे देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे अभी, ये उनकी माँ है, ऊपर आके खड़ी हो गई है तो पकड़ के ना लेके जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खरगोश फिर से भाग के आए हैं। मुझे तो ये मुर्गा बहुत क्यूट लग रहा है यार, कितने खूबसूरत है ये। ए की पाया है जी?
ਫੀਡ ਫੀਡ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫੀਡ ਖਾਸ ये देखें जी तीसरी मंजिल पे ये नीचे बाजार है ये देखें दूसरे घर आपको बटेरे भी दिखाएं ये है जी बटेरे नजर आ रहे हैं मुझे बटेरिया बोल ले जी माशाल्लाह ये खुदा की कुदरत कितने खूबसूरत परिंदे हैं छोटे छोटे क्या बात है क्या बात है जी ये खुराक है उनकी यह कुकड़ियाँ कुकड़ा दीजिए देखें जी बाजरा एक ये बाजरा हो गया ये है मिक्स मिक्स दाना है ये तकरीबन हर किस्म का दाना इसमें है और ये है फीड इधर की अंडे क्यों देते हैं अंडे और गोश्त इसमें जो ये जानवर खाते हैं ना परिंदे ये मुर्गियाँ वगैरह मोटे हो जाते हैं परिंदे गोश्त भी बढ़ता है और अंडे भी देने लगते हैं माशाल्लाह दुनिया का मासूम आ गया ये जानवर छोटा सा ये रैबिट खरगोश ये देखें इसकी मासूमियत देखें कितनी है वाह माशाल्लाह सुभान तेरी कुदरत या रब العالمین ये देखिए ये तो एक ही बिजनेस आइडिया है अगर कोई इसको बड़े लेवल पे करना चाहता है तो कर सकता है ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके छतों पे रखें और ये दाना खुराक वगैरह इनको डालते रहें तो ये माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं इनसे आप अंडे भी हासिल कर सकते हैं और इनसे ये गोश्त के तौर पे भी बेच सकते हैं इनको गोश्त काफ़ी महंगा है गोश्त कितना को मैं होना किलो मेरे ख्याल 400-500 तो किलो है देसी मुर्गे का 800 रुपये किलो देसी मुर्ग का गोश्त 800 रुपये किलो 800-900 इधर तक ही मिलता है चलें जी व्यूवर्स आपने ये हमारी वीडियो देखी है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी वीडियो देख के आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह और हम आपके लिए इंशाल्लाह और ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें हाँ जी बिल्कुल ये बिजनेस आइडिया है ये एक बहुत बड़ा और लोग करते भी नहीं पे अजकल बड़े छत्तों पालते हैं तुम तो खैर नहीं तो बिजनेस ढा तुम तो अपने शौक नहीं रखे हुए तो लेकिन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं पे काम में हाँ जी व्यूवर्स तो आप लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि हम कैसी वीडियो बनाएं और कैसी ना बनाएं हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नई वीडियो तक हमें दें इजाज़त ओके जी अल्लाह हाफिज़